आपको सब कुछ बताता हूँ। ये गाइस सबसे पहले आता है, इसको हम बोलते हैं लेस देन। इसके बाद में गाइस ये आता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। इसके बाद में ये होता है गाइस, इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। तो ये डबल इक्वल्स टू जब गाइस चेकिंग के लिए होता है कि ये जो है डबल इक्वल्स टू हो रहा है, ये वैल्यू असाइन होती है, इस इज चेकिंग। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है कंपेरिजन ऑपरेटर में जो ये ऐसा होता है, ठीक है। इस एल्स को जो मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि फिर उसको तो जो है यूज ही नहीं कर रहा है। उसके बाद में होता है गाइस नॉट इक्वल्स टू, ठीक है ना। नॉट इक्वल्स टू का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। और इसके बाद में जो लास्ट अभी तो जो है गाइस हो गया, उसके बाद में गाइस क्या होता है, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू और एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये जो है गाइस आपके डेटा टाइप हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है आपके डेटा टाइप हो गए। तो गाइस हम एक एक को काम करके देखते हैं कि जो है काम करता है, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पे मैं लगा रखे इस एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड 18। उसके बाद में तो है गाइस कि अगर इतना है तो आज जो है आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसमें चल जाएगा। अब गाइस जो हम किसी और चीज़ पे करते हैं, ठीक है ना, कि पास फेल, क्या आप यार चलिए आप पास हो गए या फिर आप जो है फेल हो गए, ठीक है ना, ठीक है। राइट और रॉन्ग में भी ओके सही रहेगा, ठीक है। तो इधर मैं कास्ट करता हूँ राइट, ओके RIGHT, और इधर मैं कास्ट करता हूँ रॉन्ग WRNG रॉन्ग। वेरिएबल का नाम ए से सीधा मैं करता हूँ ए, ओके। एंड इसकी वैल्यू मैं करता हूँ गाइस 20। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, राइट होगा रॉन्ग होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक ए की वैल्यू है 20, तो गाइस देखिए राइट हो जाएगा। ऐसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया है मैंने, ओके। तो गाइस हमको एक बार कहीं पे देखना है कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो गलती गाइस हो गई, देखिए ऐसे नहीं चलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए वेरिएबल जब भी आप ले लो उससे पहले डॉलर का साइन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ये तो मैंने तो इंस्टेंटली यहाँ पे सही कर दिया इसको, चलिए राइट बता दिया इसने। चलिए रॉन्ग किस बताएगा, रॉन्ग ये भी 16 कर दिया मैंने, और देखिए गाइस ये रॉन्ग बता देगा, ठीक है। रिफ्रेश, अब गाइस मैं इसको ही राइट कर दूं, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो क्या ए जो है 16 से कम या उसके बराबर है, तो डेफिनेटली ये है राइट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है काम करता है लेस देन इक्वल्स। अब गाइस हम आते हैं, ठीक है, इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 18, ओके। तो गाइस ये सही हो जाएगा कि अगर ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू 18 है, ओके राइट बता रहा है, ठीक है ना, कि नहीं है। चलो ठीक है, ये कि ए जो है अगर मैं 18 करूँ, ठीक है ना, इसको तो गाइस रॉन्ग बताएगा क्योंकि ये बोल रहा है ए जो है 18 के बराबर नहीं है। अब जो ए की वैल्यू जो है 18 हो गई है, अब गाइस ही बोलते हैं नहीं जी साहब ये जो है आप रॉन्ग आए। चलिए इसको सेव कर लेते हैं एक बार, लगता है सेव नहीं हुआ। अब गाइस इसको बोलेगा नहीं सब ये जो है रॉन्ग आ गया इस जगह, तो 18 है इसलिए जो है रॉन्ग आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू कर दूंगा तो देखिए गाइस वापस राइट हो जाएगा, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 18, तो ये देखिए गाइस राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस इस तरीके से जो है आप जो है कंपेरिजन ऑपरेटर जो है यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने तो इस तरीके से जो है आप ये यूज कर सकते हो। तो फिलहाल इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।